आप सभी के समक्ष में ये जिकड़ी भद्रों का रंगारंग कार्यक्रम गांव गिरसे में जो कि बड़ा ही पवित्र कार्यक्रम के उपलक्ष में कराया जा रहा है। हमारे बड़े भाई राकेश जी ने अपने पिताश्री गोपाल सिंह जी जान उनके भी पिताश्री स्वर्गीय श्री परशुराम जी के मूर्ति आवरण में यह कार्यक्रम कराया है। अपने दादाजी की मूर्ति की स्थापना करवाई है जिसका सीधा प्रसारण आप सभी के समक्ष में किया जा रहा है। पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जलुथर के द्वारा जिसकी गायिका आपकी जानी पहचानी कुमारी लक्ष्मी सिंसिनवार बेड़ा चौली नदबई भरतपुर राजस्थान से ढोलों पर संगति कर रहे हैं। बड़े भाई रामवीर सिंह जी नसवाना डीग भरतपुर राजस्थान से और आप सभी के समक्ष में झीका पर झनका लगा रहे हैं हमारे बड़े भाई प्रभु दयाल जी लोकरेरा आगरा उत्तर प्रदेश से। लीजिए जिकड़ी भजनों का एक और धमाका।
जोला और 51 रुपए का पुरस्कार
बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। क्या सुपाल की प्यारी क्या मानो बड़ा पुरस्कार अजी राम जी आदरणीय हमारे बड़े भाई राकेश जी के चाचा जी दे रहे बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जो नहीं आए वो कृष्ण मुरारी। और ये क्या मानो बड़ा पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी जक्को जी जनुथर निवासी दे रहे बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी या क्यों अरे जो नहीं आए वो कृष्ण मुरारी हो गर्द में और ये 100 रुपए का पुरस्कार भैया जी कहा था अरे जो नहीं आए वो कृष्ण मुरारी। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय प्रताप सिंह जी हमारे लिए दे रहे बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। क्या अरे जो नहीं आए वो कृष्ण मुरारी वो गर्द में हाँ गर्द में वो गर्द में गरिमा गिरे है तुम्हारी वो ना है पढ़ूंगी मैं शिशुपाल की प्यारी वो कुआरी मर जाऊ मैं मार कटारी मंदिर में होता क्या है महाराज पवन का विवाह
महारानी अंजना के साथ में हो जाता है। दोनों का विवाह हो गया। 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। सज्जनों 12 वर्ष जब व्यतीत होने को आए, आज महाराज रावण का महाराज कुबेर के साथ में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ गया महाराज रावण के साथ, महाराज बाली को जाना पड़ा और महाराज बाली के साथ में महाराज पवन को भी जाना पड़ा। चले गए, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। सज्जनों रात्रि के समय आज महाराज पवन बाबा साहब युद्ध भूमि में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते याद आया, ख्याल आया रानी अंजना का। महलों में आते हैं, महारानी अंजना के साथ सहवास की कामना करते हैं। सज्जनों और प्रातः काल होने से पहले ही आज बाबा साहब युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। पहुंच गए, कहानी ने मोड़ लिया। 3 महीने के बाद में आज महारानी अंजना गर्भवती हो जाती है। महारानी अंजना की सास ने महाराज पवन की माने, जिसका नाम था केतमती। केतमती ने देखा, मेरी पुत्र वधु गर्भवती, मेरा पुत्र रणभूमि में है। सज्जनों आज जवाब दे रही है और कह रही कि सुन बेटी, तूने किया क्या भैया, कैसे और क्या जवाब दे रही है। उसमें मेरे वंश का अंश नहीं है,
सारी बातें अंजना ने सुनी। आज अंजना ने बाबा साहब अर्थ में कहा कि सुनिए सासू मां, आपने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया, लेकिन मेरे पास सत्यता प्रमाणित करने के लिए सबूत है कि मेरे गर्भ में आपके ही वंश का अंश है। लेकिन भैया अर्थ में जवाब दिया कि अंजना कहकर जोर मात मेरी, अंजना कहकर जोर मात मेरी बात ना झूठी, अरे तुम देखो इसकी ओर लाल त्यारे की अंगूठी। बोली केतमती, बोली केतमती, अरे मौत मिले बिना नहीं जातो तेरो पवन पति। झूठो दोष धरे मत माता, झूठो दोष धरे मत माता, और बुद्ध चरणन शीश नवावे और ने नन से नीर। सज्जनों जब इतने शब्दों को अंजना ने कहा, आज अंजना ने हाथ जोड़ लिए और कह रही है कि सुन सासू मां, आपकी शंका का निवारण कब होगा? सुनिए भैया रामवीर कैसे अर्थात जवाब दे रही है। इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी सुबेदार जी गुनसारा निवासी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी कैसे? और जवाब दिया और ले आमे त्यारे लाल ये रंजी रे 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 क्या, और ले आमे त्यारे और ले लाल ये रंजी और मलाल दूर हो सारो, और ले मेरी इज्जत पे, और ले मेरी इज्जत पे मैया तुम्हें लात मत मारो। भैया जी, आज जब से अंजना ने कहा हे
सासू माँ, मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है वो आपके पुत्र पवन का ही अंश है। सज्जनों, केतुमती ने सारी बातें सुनी। आज अर्थ में कहा कि सुन बेटी, केतुमती कर क्रोध कहे, केतुमती कर क्रोध कहे, अरे हमको उपदेश सुना रही है और जले पे नमक लगा के डाहिन छाती को भव पाई रही है। पाट रही समुद्र को पापन, पाट रही समुद्र को पापन, और दाई से पेट छुपावे और नैनन से नीर खावे। आज सजनों, जब इतने शब्दों को सुना, केतुमती ने जवाब दिया, सुन बेटी तेरे लिए एक आदेश करती हूँ। और भैया जी, आदेश सुनिएगा, आदेश क्या कर रहे भैया? कैसे आदरणीय विक्रम सिंह जी, जो हमारे बड़े भाई राकेश जी के मौसा जी हैं, हरियाणा पलवल से हमारे लिए दे रहे हैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। लेकिन भैया कह रही है क्या, एक ही कहावत निकलती है, लाली तू तो मूड पर चढ़ गए। लेकिन बाबा साहब, ये कहावत केवल एक कोरी कहावत नहीं है, ऐसा शास्त्रों के अंदर हुआ है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, प्रमाणित भी है। अब सुनिएगा, मैं आपको बताती हूँ आखिर इस कहावत को सत्यता प्रमाणित करने के लिए कवि ने कहां कहां से इस कहावत के लिए उन शब्दों का चयन किया, ऐसा कहां कहां हुआ। जब बाबा साहब, एक लड़की जिसे पैरों की जूती माना जाता है, वो एक नारी जाति, वो एक औरत जाति चरणों में रहते हुए भी बाबा साहब खोपड़ी पर जा बैठे, सुनिएगा। लेकिन भैया जी, फिल्मी दुनिया वालों ने बाबा साहब बड़ी प्यारी सी एक तर्ज निकाली, और तर्ज के बोल हमारे बुजुर्गों के समय की तर्ज है बाबा साहब, सुनिएगा। भैया राम तर्ज के बोल क्या जवाब दे रहे हैं।
भाई जो आप सभी के समक्ष में ढोलक का वादन कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई रामवीर सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और ये 501 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर हरख्याल सिंह जी गिरसा निवासी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी तर्द जवाब दे रही, कह रही है क्या? दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा, दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। क्यों तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती। लेकिन अब सुनिएगा गीत कह रहा है क्या भैया जी? गीत ने कहा हेरे बेतुके हालात में, बेतुके हालात में बात की एक बात में, बेतुके हालात में बात की एक बात में बात इतनी बढ़ गई। और कितनी बढ़ गई? वो चरणों में रहने वाली, हाँ चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय पंडित रोहता जी जनुथर निवासी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब सुनिए मामा साहब, ऐसा हुआ कब कब? पहली बार भैया जी रामवीर कैसे हैरे नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णु पति, शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी। क्या नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णु पति, शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी। क्यों हेर पाहे जब नारा सुता, ये जाने दुनिया दासता, हर पाहे जब नारा सुता जाने दुनिया दासता। क्यों अरे ऐसा हुआ कमाल, हाँ ऐसा हुआ कमाल, ये कहानी गड़ गई। और वो चरणों में रहने वाली, अब चरणों में किनके रहा करती थी? भगवान विष्णु ने बामन का अवतार लिया, और जब बामन का अवतार लिया बामन के पैर के नाखून से बाबा साहब गंगा जी का अवतरण हुआ। भागीरथ ने तपस्या की, वही गंगा जी भोलेनाथ जी की जटाओं में जाकर के विराजमान हो गई। इसीलिए कहा वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, वो चरणों में रहने वाली। और ये 100 रुपए का पुरस्कार राकेश बड़े भाई हमारे राकेश जी के ताऊ जी चंदल जी हमारे लिए देने। और 100 रुपए का पुरस्कार बड़े ताऊ जी चंदी जी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी अब सुनिएगा, दूसरी बार ऐसा कहां हुआ भैया? कहां क्या? कहां लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, क्या
ठहर जाए ना ये दुख सहा, और संकट है बढ़ रहा। ठहर जाए ना ये दुख सहा, संकट है बढ़ रहा। मेरे मथे बढ़ गई और वो चरणों में रहने वाली। अब चरणों में किनके रहा करती थी? लक्ष्मी जी हमेशा से बाबा साहब भगवान विष्णु के चरणों में रही है। उनका निवास होता है भगवान विष्णु के चरणों में। लेकिन जब लक्ष्मी ने अवतार लिया वृंदा का, यानी कि तुलसी का, जब तुलसी का अवतार लिया तो बाबा साहब भगवान विष्णु बन गए जालंधर। लक्ष्मी जी का श्राप लगा, आज भगवान विष्णु बन गए शालीग्राम। और आज इस कलयुग में भी ये बात देखी जाती है, घर घर के अंदर जब बाबा साहब तुलसी जी का पदार्पण किया जाता है, तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी को चढ़ाया जाता है, तो तुलसी जी को कहाँ चढ़ाया जाता है? शालीग्राम के मस्तक पर। इसीलिए कहा है क्या हर चाहे ना ये दुख सहा, और संकट है पड़ रहा। अरे देखो ये नारी कैसे, देखो ये नारी कैसे मेरे मथे बढ़ गई, और वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, वो चरणों में रहने वाली वाली। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई राकेश जी के चाचा जी समर सिंह जी हमारे लिए देना। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब सुनिएगा अंतिम बार, और भैया रामवीर अंतिम बार ऐसा कहा हुआ, सुनिए क्या जवाब दिया। कहा हेरे ताड़ का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार रामवीर सिंह जी। अच्छा हमारे बड़े भाई रामवीर सिंह जी ढोलक वादन जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे लिए देना। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी कहा क्या है रे ताड़ का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, पहनी थी श्री राम ने तो प्रीति हो। हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी हवलदार रामवीर सिंह जी गिरसा निवासी हमारे लिए देना। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा ताड़ का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, पहनी थी श्री राम ने तो प्रीति हो गई है घनी। क्यों हेरे भाई को मनाते भाई, और भाई से ही पाए भाई। अरे भाई को मनाते भाई, भाई से ही पाए भाई। क्यों अरे भाई के द्वारा देखो, हाँ भाई के द्वारा देखो, और ये कैसे पड़ गई, और वो चरणों में रहने वाली। अब चरणों में किनके रही थी? ताड़ का एक औरत जाती थी, एक राक्षसी थी। ताड़का का वध किया भगवान राम ने, हड्डियों से पादुकाएं बनाई गई जो कि भगवान श्री राम ने अपने चरणों में धारण की। लेकिन जब बाबा साहब समय बलवान बना, भगवान राम को वनवास हो गया, भरत जी मनाने के लिए गए, भगवान राम की जो पादुकाएं भगवान राम ने चरणों में धारण की थी, वही पादुकाएं
भरत जी ने अपने शीश पर धारण कर ली, इसीलिए कहा क्या भाई को मनाते भाई, और भाई से ही पाए भाई, अरे भाई के द्वारा देखो, भाई के द्वारा देखो, और ये कैसे पड़ गई, और वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली, और खोपड़ी पर चढ़ गई।